कहना है, जीत ऐसी मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है जी, मुझे कुछ कहिए सर। आपने कहा हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी, ये नहीं क्यों, मैं आप कहोगे कि हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। निर्भया का जब की जब घटना हुई, उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, संबोधित करते उन्होंने अपनी गलती मानी, कानूनों में बदलाव लाया और उसके बाद एक देश को आशा की किरण निकली। वर्तमान प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री, आज बोले वे और वो भी रेड फोर्ट से, मुझे बताए कब उन्होंने देश को संबोधित किया, हाथरस पर कब बोले उन्होंने, उन्नाव पर कब बोले। मैं ये पूछ रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह जिसके खिलाफ आप लड़ी नाविका जी, वो उन महिलाओं को उन जिस्म के उन भागों को छू रहा था प्रोटीन के लिए जहां पर वे प्रोटीन मांग रहे थे, वो आज अपने बायोडेटा में लिखता है मोदी जी का परिवार, उस पर क्या एक्शन हुआ, ये सवाल है। नाविका मैं अब जवाब देता हूं, मैं अब जवाब देता हूं नाविका, बृजभूषण वाले मामले से ही जवाब देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी विषय पर भागती या छिपती नहीं है, उसको एड्रेस करती है, वॉट अबाउटरी नहीं करती है। बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, आईओए की कार्रवाई, रेसलिंग फेडरेशन की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की, पुलिस की कार्रवाई, और उसके अलावा उसका पार्टी का टिकट भी काटा गया, पर आपने लाल सिंह को टिकट दिया। आप बोलते राहुल गांधी बहुत बोलते, मोदी जी नहीं बोलते, संदेश खाली पर राहुल गांधी का क्या बयान आया? आप बता दीजिए ताजमहल ने जो उत्तर दिनाजपुर में महिला को पीटा उस पर क्या बयान आया? मालदा में आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र की गई उस पर क्या बयान आया? बंगाल में जो अभी हुआ 5 दिन बाद बयान आया, आज की घटना पर कोई बयान नहीं आया। नेहा हिरेमत को कर्नाटका में मारा गया, नेहा हिरेमत पर कोई बयान आया, कोई मिला उससे परिवार से? और बता दीजिए समाजवादी पार्टी के मोहित खान पर और नवाब यादव पर क्या बयान आया राहुल गांधी का, कोई कार्रवाई की बात की? यही अंतर है हम में और आप में, हम कार्रवाई करते किसी को बचाते नहीं, आप बचाते हैं। सवाल वारिश पठान में ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछा जाए तो क्या ये जवाब आएगा कि आप इस देश को बांग्लादेश बना रहे हैं? क्या हमें अपने देश के अंदर नहीं देखना कि क्या चल रहा है? क्या उस बेटी के लिए हम आवाज भी नहीं उठा सकते? वारिस पठान भाई, सवाल ये है कि हम अपनी लाल लकीर कहाँ खींचेंगे, कब खींचेंगे? हर मुद्दे पर हम मुद्दे को घुमाने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं नहीं कह रही कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हुआ, लेकिन जो हुआ और जो अब तक सामने आया है वो एक बर्बरता की तस्वीर दिखाता है। वो दिखाता है कि आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता कैसी जब रात के 12 बजे 15 अगस्त जब चढ़ता है, उस वक्त इस देश में डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर, स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज हुआ, 1000 गुंडों ने आक्रमण किया, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, नर्सों को मारा पीटा। क्या हम इस बात पर सवाल भी नहीं उठा सकते और हम एक सुर में भी नहीं बोल सकते? हमें बांग्लादेश बीच में लाना पड़ता है, हाथरस, उन्नाव, मुजफ्फरपुर सब बीच में लाना पड़ता है, हम बस मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं? मैं पूछ रही हूं क्या मजबूरी है हमारी? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो आपके आपको को पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं मैं। चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो, दिल्ली हो, या अभी जो कोलकाता में हुआ, जहां भी इस तरह की नारी के साथ बर्बरता हुई, रेप हुआ है, हम उसकी पूरी मजम्मत करते थे, करते करते रहेंगे। हमने हमेशा से कहा है कि जो भी इस घिनौनी चीज के अंदर मुब्तिला है या जो भी एक्यूज है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानूनन सख्त सजा मिलनी चाहिए और सख्त कानून भी इसके ऊपर बनना चाहिए। हमने कभी इसको पॉलिटिसाइज करने की ना कभी कोशिश की है ना कभी आगे करेंगे, मगर पॉलिटिसाइज करता कौन है? ये बीजेपी वाले, जब इनको लगता है कि नहीं हमको अब बोलना है तब बोलते, जब नहीं लगता है तब नहीं बोलते। नारी का सम्मान तो आप हमने सबने देखा था किस तरह हमारी रेसलर महिला विनीशा को उठा के दिल्ली की सड़कों के ऊपर पुलिस द्वारा घसीटा गया था। बृजभूषण सिंह का तो आपको पता ही है क्या किया था उसके साथ में। और मेरे लिए तो दोनों भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे ये भाजपा हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी जो कठुआ के अंदर रेप हुआ था उसके अंदर जो एक्यूज थे उसको तो लोगों ने टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी दूसरे उसके और आगे निकल गई दो स्टेप, बिल्किस बानू के जो बलात्कारी थे उनको लोगों ने टिकट दे दिया, छुड़ा के लाए और उनको तो संस्कारी कह दिया था बीजेपी वालों ने। अब बताइए आप ये दोनों के अंदर क्या अंतर, क्या फर्क है? लेकिन बात है बंगाल की, तो हम चाहते नहीं कि वायलेंस हो, हमने
हमेशा से वायलेंस का कंडेमनेशन किया है। कहीं भी देश में वायलेंस अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए, देश में नहीं बांग्लादेश का भी जो वायलेंस हम तो उसका भी कंडेमनेशन करते हैं, मगर यहाँ इन लोग को सिर्फ एक ही चीज करना है, इसको हिंदू मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट करना है। अभी मैं पढ़ रहा था तो बताया मुझे कि जो मोदी ने अभी लास्ट लोकसभा के अंदर इलेक्शन स्पीचेस दिए 173 स्पीचेस है, उसमें 110 स्पीच में उन्होंने एंटी मुस्लिम बात कही है, इस्लामी फोबिक बात की। तो क्यों इतना नफरत? फिर मोदी जी लाल किले से खड़े होकर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, आज तो मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर दी। वहां से मैं पूछना चाहूंगा किस तरह से आप लाएंगे, क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे या मिताक्षा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? आप बताइए मुझे, हमारे देश के अंदर तो प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी मेन जो संविधान है उसका क्रक्स है, आप उसको किस तरह से करेंगे? आप शादियों की बात करते हो, मुसलमान के अंदर शादी तो कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी के अंदर आई डू है, तो क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? आर्टिकल 29 राइट टू प्रैक्टिस कल्चर की बात करता है, क्या आप उसका भी खात्मा कर डालेंगे? उसका आप क्या करेंगे? आर्टिकल 24, 25, 26 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन की बात करता है, क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? कितनी जगहों पर प्रदेश में देखा गया आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है उसे आप नहीं पढ़ेंगे? आप तो संविधान में मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तीन बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा, 1995 में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी आना चाहिए, वो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों वारिस भाई? क्योंकि सिलेक्टिविटी, जो सिलेक्टिविटी किस तरह से लाएंगे, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, किस तरह से भी अगर आप देश के अंदर इसी तरह नहीं, सवाल ये नाविका जी किस तरह से लाएंगे? क्या हमारे देश के संविधान को खत्म कर देंगे? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 है, आदिवासी के लिए बात करता है, क्या हमारे आदिवासी भाइयों के भी हक को आप छीन लेंगे? कितनी जगह के ऊपर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को टैक्स रिफंड मिलता है, उसका आप क्या करेंगे? चलिए बताइए मुझे, सबको खत्म कर देंगे? अरे ये खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ पोलराइज करने के लिए इनको, सिचुएशन को पोलिटिसाइज करना है और इनके सिवा कोई मुद्दे नहीं बचे। लोग बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास रोजगार की उसकी बात ये नहीं करेंगे, बलात्कार के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर से इनके राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप देखिए, अब 3 महीने की बच्ची का बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया, हर दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमने भाई को रेप में भी सेक्युलर सिविल कोड का जवाब नजर आ रहा है। मैं जवाब दे, बकरियों को नहीं बकश रही है लोग, तो उसका क्या करेंगे आप? अब हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते इसमें ना, बलात्कारी बलात्कारी उसको कड़ी से कड़ी कानून सजा मिलनी ही चाहिए, ये हमारी मांग है। नाविका, सबसे पहले तहसीन के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तहसीन पूनावाला जी, प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में कई लोगों के और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था। आज जब सुसाइड बताने की कोशिश की गई बंगाल के रेप को, फिर 3 घंटे तक पेरेंट्स को इंतजार करवाया, फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर पिटाई कर दी डॉक्टर्स की जो प्रदर्शन पे थे, और आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की। आज प्रियंका वाड्रा जी ने इस्तीफा मांगा या नहीं मांगा है उसको जरा देखकर बताना। दूसरी समाजवादी पार्टी ने बोला नाविका जी आप उनको, एक मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि सायरा शाह हलीम हमारे साथ जुड़ रही है और ये कल प्रोटेस्ट साइट पर थी जहां रात को प्रोटेस्ट चल रहे थे। और सायरा शाह हलीम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मीडिया पर तो आरोप है, हो जाती पूरी वो तो अप कर रही है, लेकिन सायरा शाह हलीम कल रात को हुआ क्या, और ये बंगाल में बेटी के साथ क्या हुआ, और ये कौन सी अराजकता है? देखिए, सबसे पहले बात है कि 9 तारीख को ये हादसा हुआ 3 से 5 बजे के करीब सुबह के। अब ये आरजी का हॉस्पिटल ये जो है डिक्लेयर करता है इस हादसे को अराउंड 11:30, तो देख लीजिए मतलब कि 5 बजे से लेके 11:30 तक ये आरजी कार ने ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ? प्रिंसिपल आरजी कार के ये देते हैं स्टेटमेंट के पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हॉस्पिटल ने गलत स्टेटमेंट क्यों दी। एक और बात है कि यहां पर आप देख लीजिए आरजी कार के प्रिंसिपल को यहाँ पे जबकि रेप्रिमांड करना चाहिए था कि भैया आपकी निगरानी में इतना बड़ा कांड हुआ कि एक रेप और मर्डर हो गया है, मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा जो ड्यूटी में थी, जो थोड़ी देर के लिए सेमिनार रूम में रेस्ट करने के लिए गई और पता चला सुबह, और कौन है अक्यूज, वो कोलकाता पुलिस का सिविक वॉलंटियर है, 12,000 उसकी तनख्वाह है, वो है मेन अक्यूज। लेकिन अभी जो प्रश्न जो आता है, जिस तरह से हमने पीड़ित की बॉडी पे देखा है, जो विक्टिम की बॉडी, और हमने जो वजाइनल स्वैब जो ये जो रिपोर्ट्स आई हैं,
उससे पता चलता है कि बहुत ही गहरी चोट थी, वजाइनल स्वैब से भी पता चलता है कि